ओम गंग गणपते नमः। मेष राशि वालों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से ज्योतिष के इस कार्यक्रम में, आज की बहुत ही खास बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। मेष राशि वालों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से 1 सितंबर से 7 सितंबर साप्ताहिक राशिफल। सितंबर माह का पहला सप्ताह मेष राशि वालों कैसा रहेगा आपकी राशि वालों के लिए, कौन कौन से योग बनेंगे, किन किन क्षेत्रों में लाभ मिलेगा, किन किन क्षेत्रों में सावधान रहने की आवश्यकता होगी, आपको संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। करियर, बिजनेस, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, नौकरी, हर क्षेत्र की संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। अंत में वीडियो की बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय भी है जो कि इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, तो अंत तक वीडियो को पूरा जरूर देखें। मेष राशि वालों, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, राशिफल की वीडियो समय समय पर आप लोगों तक पहुंच सके। और यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, हमें कमेंट्स करें, उसका समाधान हम आपको बताएंगे। मेष राशि वालों, सबसे पहले तो ये जो सितंबर माह का पहला सप्ताह है, इसमें जो है आपकी चंद्र राशि के 8वें भाव में राहु ग्रह स्थित होंगे, और ऐसे में जो है यह सप्ताह धन प्राप्ति के अनेकों योग बनाएगा आपके लिए। जहां निवेश करेंगे पैसे का, उसका रिटर्न भी मिलेगा धन लाभ के साथ, अच्छा रहेगा निवेश के लिए। लेकिन बृहस्पति महाराज के आपकी राशि के 10वें भाव में उपस्थित होने की वजह से यदि आप कोई नया वाहन या घर लेने का सोच रहे हैं तो आपको किसी घर के बड़े बुजुर्ग या अपने सलाहकार, घर में जो भी बड़े हैं, उनसे सलाह लें आप। और निवेश भी कर रहे हैं तो भी उनकी सलाह से ही करें, अच्छा रहेगा, जरूरत होगी इससे आपको ही लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ मेष राशि वालों, यह जो सप्ताह है, एक सपना यह भी पूर्ण होगा यदि आप विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं या कोई अपना बिजनेस कारोबार इत्यादि शुरू करना चाहते हैं, या फिर आप नौकरी इत्यादि का आस लगाए बैठे हैं, तो यह सपना भी साकार होगा क्योंकि राहु के आपके 8वें भाव में रहने से आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। पहले तो बात ये जान लें आप, जिस काम में हाथ डालेंगे वह बनेगा आपका कार्य। और इस सप्ताह आप अपने किसी पुराने मित्र, साथी या प्रेमी को किसी और के साथ भी देख सकते हैं जिससे आप उदास हो सकते हैं। इस कारण आप परिवार के साथ समय व्यतीत करने से भी बचते हुए अकेला रहना अधिक पसंद करेंगे, थोड़ा मिला जुला भी रहेगा आपके लिए प्रेम संबंधों के लिहाज से समय। और इस सप्ताह आप ज्यादा जिम्मेदार रहेंगे और अच्छे ढंग से हर क्षेत्र पर कार्य भी करेंगे, जो काम मिलेगा 100% आप देंगे उसमें। और यह समय ऐसा भी होगा नौकरी में आप के जो बॉस हैं, उच्च अधिकारी हैं आपकी, उनकी तरफ से जो भी आपको काम मिलेगा टारगेट आप पूरा करके देंगे उनको, तो उनकी नजरों में, ऑफिस स्टाफ की नजरों में आपकी अहमियत और अधिक बढ़ जाएगी। और साथ ही साथ यह समय उनके लिए भी बड़ा अच्छा है, जो लोग अपना नया बिजनेस, व्यापार आदि शुरू करने का सपना देख रहे हैं तो उनको भी इस समय बिजनेस, व्यापार इत्यादि का सपना पूर्ण होता दिखाई देगा। मेहनत करें, आगे बढ़ें। और उन लोगों के लिए भी समय अच्छा है जो काफी समय से अपने परिवार के साथ नहीं है,
मतलब वो कहीं बाहर जॉब करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा मौका मिलेगा कि आप उनसे मिलने आ सकते हैं, आपस में मिलन हो सकता है आपका। और जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से नौकरी इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से सरकारी नौकरी की तैयारी या फिर की अच्छी नौकरी प्राइवेट सेक्टर हेतु भी, तो यह सपना पूर्ण हो जाएगा, आपको मनचाही नौकरी भी प्राप्ति होगी। और साथ ही साथ स्वास्थ्य के प्रति भी आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, इसका ध्यान रखना आपका परम कर्तव्य है। और यह समय उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जिनके ऑनलाइन सोशल मीडिया इत्यादि से जुड़े जो व्यवसाय हैं, तो ऑनलाइन जो भी आपके व्यवसाय हैं अपने मीडिया सूत्रों को अधिक बढ़ाएं, संपर्क सूत्रों को, लाभ मिलेगा आपको। और मेष राशि वालों, इस सप्ताह आप अपने अंदर एक चीज ये देखेंगे, एक आत्मबल, आत्मविश्वास परिपूर्ण भरकर रहेगा आपके अंदर, हर काम को समय पर पूरा करने की दृढ़ इच्छा शक्ति आपको कामयाबी दिलाने वाली है इस समय। और एक बात आपकी जानकारी के लिए बता दें, गलत संगति के साथ में मत पड़ना, क्योंकि यह समय कुछ कर गुजरने का है, अच्छा समय है, जिम्मेदारी आप पूर्ण रूप से अपने ऊपर लेंगे, घर परिवार के लोगों की, जीवन साथी की, बच्चों की, और उस जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाते हुए आप सफलताओं के मार्ग प्राप्त करेंगे, सफलता से आगे बढ़ेंगे, आपका आत्मविश्वास कम नहीं होगा, बढ़ेगा इस समय, तो समय का लाभ उठाएं, मेहनत रंग लाएगी आपकी। और मेष राशि वालों, इस सप्ताह आपके लिए एक छोटा सा उपाय बता देते हैं, आपके लिए उपाय यह है कि आप प्रतिदिन सुबह उठें, उठते ही सब प्रथम, उठते ही सब प्रथम दोनों हथौड़ियों को आपस में रगड़ते हुए उसमें आपने दोनों हथेली को देखें और ओम धनाय नमः तीन बार मंत्र बोलना है, उठते ही माता लक्ष्मी का आपको स्मरण करना है। इससे क्या होगा, आपका दिन अच्छा जाएगा और आपको लाभ मिलेगा, उस दिन आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। प्रत्येक दिन इस उपाय को आप करें, कैसे आपको लाभ मिलता है स्वयं आप देखेंगे। बस यही कामना करते हैं कि आपके लिए यह सप्ताह अच्छा जाए। तो मिलते हैं अगले इस प्रकार की राशिफल की वीडियो के साथ। धन्यवाद।